खरगोन जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से आयोजित जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद खरगोन द्वारा आयोजित पर्यटन पर्व का समापन हुआ। इस अवसर पर नवग्रह मंदिर से गणेश मंदिर परिसर तक टूरिज्म वाक पर्यटन पद यात्रा एवं समापन कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों सहित जिले की विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले में विभिन्न पर्यटक स्थानों पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुझे भी इसमें भागीदारी का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वो महेश्वर हो चाहे यहाँ पे हो। निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश में पर्यटन की अतीव संभावनाएं हैं और हमें उन्हें खोजना है और इस नक्शे पे लाना है, उसको लोगों के बीच पहुंचाना है, उसका प्रचार करना है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। तो ये शहर का, जिले का, प्रदेश का नाम पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में हो, निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों की भागीदारी है, चाहे वो महेश्वर रहा हो और चाहे यहाँ जिला मुख्यालय पे रहा हो, निश्चित रूप से आपका पूरा पखवाड़ा बहुत ही सफल रहा। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ और ऐसी शुभकामनाएँ रहेंगी कि इस तरह के आयोजन आप करते रहें और हमारे ज़िले के, शहर की पर्यटन संभावनाओं को और ज़्यादा बिखेरते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें। बहुत डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिल के तत्वाधान में ये पूरा पखवाड़ा केवल डेडिकेटेड रहा, वो रहा है पूरे पर्यटन स्थलों को एक्सपोजर विजिट, पर्यटन स्थलों पर कुछ पर्यटन गतिविधि को चालू करना और पर्यटन गतिविधि में हम क्या इजाफा करवा सकते हैं उसका कार्य करना। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे साथी नीरज और मैडम का नाम बताओ, निर्मला, आप आ गया, ये दोनों ही है प्रमुख इस पखवाड़े के, आप जाओ, इनको चेयर दे दो, ये बैठेंगे चेयर पर। इन दोनों ने मिलकर पूरे 14 दिन, 15 दिन की जगह एक दिन कट कर दिया हमने, 13 तारीख तक करना था लेकिन हमने कहा 13 तारीख संडे है, सबका खराब न करें, 12 तारीख तक कर दी। अभी नीरज ने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, पर्टिकुलरली 4 तारीख को नर्मदा की, माँ नर्मदा की आरती हुई बड़ी, 5 तारीख को ओशन बैंक, जो बैंड इंडियन ओशन बैंक, इन्होंने बताया नहीं बट वो एक दिल्ली का बड़ा बैंड है, उसने आकर अपनी प्रस्तुति दी। 6 तारीख को तो बहुत ही बढ़िया था, आप लोगों का सबका दौड़ने भागने का काम ही था, पूरा 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता हुई जो इस ज़िले में पहली बार हुई और उसमें 1000 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं खुद गया था उस आयोजन में और मैंने अपने नज़दीक से उसको देखा। इसी 6 तारीख को 55 देशों में आपसे छोटे और आपसे बड़े बच्चे, 55 देशों के बच्चे आए थे, 1100 लगभग, 700 बच्चे और 300-400 उनके गाइड, इन सभी ने एक्सपोजर विजिट के रूप में महेश्वर लाए गए वो, और महेश्वर की नर्मदा, माँ नर्मदा को और महेश्वर की सभी पर्यटन चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया। मैं चाह रहा था महेश्वर के साथ ऊन और रावेरखेड़ी, ये 2 हमारे पर्यटन के संभावित स्थल है जिसका भी पूर्ण विकास होना आवश्यक है। हमने आते ही सबसे पहले ऊन को हमने हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमने वेबसाइट पर डाला उसको, आपके सारे मंदिर, जैन मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, ये हमने वेबसाइट, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, जो शासकीय वेबसाइट है, उस पर डाला ताकि उनका कहीं नाम इंटरनेशनली देखा जाए। हम धीरे धीरे करके उनको भी हम टूरिज्म सर्किट में लाते हैं। रावेरखेड़ी तो वेल नोन है, जग जाहिर है कि रावेरखेड़ी एक ऐसे योद्धा की अंतिम स्थली रही है जो कभी हारा नहीं, इसीलिए रावेरखेड़ी को भी हमें पर्यटन केंद्र बिंदु पर लाना होगा। हम धीरे धीरे करके पर्यटन का विकास कर रहे हैं और इसी पर्यटन की महत्ता है, इसी पर्यटन का विकास का फायदा मिल रहा है इस खरगोन को कि ये अभी दबंग 3 की शूटिंग 7 दिन इसी महेश्वर घाट पर हुई थी और सलमान खान जैसे बड़े नंबर 1 हीरो यहाँ 15 दिन तक महेश्वर में रहे थे और कुछ व्यक्तियों ने वहाँ जाकर मुलाकात भी की थी यहाँ से। तो ये पर्यटन धीरे